वैज्ञानिकों ने एलियन को लेकर कह दी बड़ी बात। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में मच गया हड़कंप। विज्ञान के धुरंधरों में शुरू हो गया कंपन। हमारे साथ समझिए खबर का पूरा मन। क्या है एलियन को लेकर नई भविष्यवाणी? क्या पृथ्वी के अलावा कहीं और भी रहता है कोई? जानिए हमारे साथ इससे जुड़ा पूरा सच। वैज्ञानिक हर रोज कुछ न कुछ नया खोज कर विज्ञान की दिशा में नए नए चमत्कार करते रहते हैं। आज की विज्ञान वाली खोजबीन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें वैज्ञानिकों ने एलियन के विषय में कुछ ऐसा बताया जिसने हर किसी को हैरान व दंग कर दिया है। जैसा कि विज्ञान या फिर अंतरिक्ष की कहानियों में ग्रहों के बारे में चर्चा मिलती है, तो वहीं कई बार फिल्मों में भी उड़न तस्तरियों के बारे में विस्तार से बताया जाता है। लेकिन अब एक नया शोध निकलकर सामने आया जो बेहद हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में कई तारे एलियन के हिसाब से चला करते हैं। ब्रसेल्स की एक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर क्लेमेंट विदाल का इसको लेकर साफ कहना है कि कुछ खास तारे जिन्हें हाइपर वेलोसिटी तारे कहते हैं, वे एलियन द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। अक्सर ये विचार तारों के बीच की विशाल दूरी को पार करने के लिए किया गया है। इसको लेकर बीते दिनों मीडिया में आई रिपोर्ट्स की माने तो इसको लेकर डॉक्टर विदाल बताते हैं कि एलियंस तारे को स्टेलर इंजन में बदल सकते हैं, जो हजारों मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करने में सक्षम हुआ करते हैं। इसके लिए तारे से निकलने वाली ऊर्जा और विकिरण को नियंत्रित करना होता है। अक्सर ये प्रक्रिया अंतरिक्ष यात्रियों को पूरी सौर प्रणाली को साथ लेकर जाने में मदद करने में सक्षम होती है। अभी हाल ही में किए गए शोध में साफ बताया गया है कि कुछ बाइनरी स्टार प्रणालियां जैसे स्पाइडर पल्सर और ब्लैक विडो पल्सर इस तरह के स्टेलर इंजन के लिए उपयुक्त हो सकती है। इन प्रणालियों में एक तारा अपने साथी तारे को धीरे धीरे नष्ट करता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। एलियंस इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी यात्रा पूरी करने के लिए किया करते हैं। एलियंस इन तारों की ऊर्जा का उपयोग करके उनकी दिशा और गति को नियंत्रित किया करते हैं। पल्सरों के समय और कक्षा के कोण में बदलाव करके वे अंतरिक्ष में अपनी यात्रा को सही दिशा में मोड़ सकने में सक्षम होते हैं। तो वहीं अभी हाल ही में नासा की चंद्रा एक्सरे वेधशाला में कई स्पाइडर पल्सरों की खोज की है। इसको लेकर डॉक्टर विदाल का मानना है कि ये सिद्धांत इतना संभावित है कि इसे और गहराई से जांचा जाना चाहिए। इसे न केवल एलियंस की सभ्यता को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान के नए पहलुओं पर भी रोशनी पड़ेगी। फिलहाल इससे पहले भी कई बार एलियंस को लेकर नई नई बातें निकलकर सामने आती रही हैं। कोई इन बातों को झूठा मानता है तो कोई इन बातों को सच मान लेता है। इतना ही नहीं, इन एलियंस से जुड़ी कई फिल्में भी अक्सर सिनेमा हॉल में अच्छी खासी कमाई कर लिया करती हैं। आप वैज्ञानिकों की इस नई खोज को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। विज्ञान अक्सर इस तरह की खोज को करके वैज्ञानिक की दिशा में नए नए चमत्कार करता रहता है। इससे पहले भी कई बार एलियन को लेकर नई नई बातें निकलकर सामने आती रही। इतना ही नहीं, कई बार दावा किया जाता है कि ये एलियन धरती पर भी आते रहते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कह पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन अनुमानों के आधार पर इतना पक्का है कि धरती से अलग भी शायद कोई ऐसा है जो रहता है। आप इस एलियन वाली थ्योरी को कितना सच मानते हैं और कितना झूठ, इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।